व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल और स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एनडी फिल्टर्स के बारे में। जी हाँ, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर, ये होता क्या है, इसको कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, एंड हाउ एन एनडी फिल्टर कैन इम्प्रूव योर फोटोज़ और इवन वीडियोज़, ये सारी चीज़ें समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले समझते हैं एनडी फिल्टर होता क्या है। दोस्तों, अगर सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो एनडी फिल्टर आपके लेंस के लिए या फिर आपके कैमरा के लिए एक सनग्लास है। जी हाँ, जैसे आपकी आंखों के लिए सनग्लास है, आपके आंखों पे आने वाली लाइट को वो फिल्टर करता है, लाइट को ब्लॉक कर देता है, ठीक वैसे ही एनडी फिल्टर आपके लेंस के अंदर जाने वाली लाइट को ब्लॉक करता है और लाइट को कम कर देता है। तो भैया, एक सवाल यहाँ पे आता है कि हम एनडी फिल्टर का इस्तेमाल क्यों करें जब हमारे पास अपर्चर है। अगर कहीं पे हमारे को लाइट कम करने की ज़रूरत है तो हम अपर्चर को छोटा कर सकते हैं, या फिर हम अपने शटर स्पीड को बढ़ा के कैमरा के अंदर आने वाली लाइट को कम कर सकते हैं। तो हम एनडी फिल्टर का इस्तेमाल क्यों करें? इन रियल वर्ल्ड फोटोग्राफी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आप अपने अपर्चर या फिर शटर स्पीड, इन दोनों के अंदर किसी भी तरीके का कोई बदलाव या कोई भी एडजस्टमेंट आप नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज जो रिज़ल्ट आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं मिल पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्लो शटर स्पीड का इस्तेमाल करके अपने फ़ोटो के अंदर मोशन कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वो मोशन क्लाउड की मोशन हो या कोई वाटरफॉल हो, मूविंग वाटर है उसकी मोशन आप कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पे अपने शटर स्पीड को बढ़ा देंगे तो वो मोशन कैप्चर नहीं होगा। और बिकॉज ऑफ स्लो शटर स्पीड बहुत ज़्यादा लाइट आता है कैमरा के अंदर और आपका फोटो ओवर एक्सपोज होता है। ऐसे ही सिचुएशन में आप एनडी फिल्टर की हेल्प ले सकते हैं और इससे कैमरा के अंदर आने वाली लाइट को कम कर सकते हैं और उसके साथ ही अपने फोटो के अंदर जो भी मोशन ब्लर आप कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं बताता हूँ आपको ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप एनडी फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। पहला, जो मैंने ऑलरेडी बताया, जहाँ पे आप अपने शटर स्पीड को स्लो करके मोशन कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लाइट आता है कैमरा के अंदर बिकॉज ऑफ स्लो शटर स्पीड, तो वहाँ पे आप एनडी फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, आप अपने अपर्चर को वाइड ओपन रख के शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं अगर फोटो में, तो बिकॉज ऑफ वाइड अपर्चर F2 या F2.8 या F1.8 अगर आप रखते हैं तो बिकॉज ऑफ वाइड अपर्चर बहुत ज़्यादा लाइट आता है अगेन कैमरा के अंदर और फोटो आपका ओवर एक्सपोज होता है। उस केस में भी आप एनडी फिल्टर की मदद ले सकते हैं और फोटो के अंदर शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड भी इजीली अचीव कर सकते हैं। कई बार एनडी फिल्टर का इस्तेमाल करके आप अपने फोटो के अंदर से अनवांटेड मूविंग ऑब्जेक्ट, हो सकता है कोई इंसान हो या कोई व्हीकल हो जो आप चाहते हैं आपके फ्रेम के अंदर ना कैप्चर हो, तो अनवांटेड मूविंग ऑब्जेक्ट्स को भी हटा सकते हैं। आप अपने शटर स्पीड को स्लो करके एनडी फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी अनवांटेड मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको भी रिमूव कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो ये भी एक बहुत ही क्रिएटिव इस्तेमाल है एनडी फिल्टर का और इस तरीके से आप अनवांटेड मूविंग ऑब्जेक्ट्स को भी अपने फ़ोटो से निकाल सकते हैं। एक और बात बताता हूँ, एनडी फिल्टर आपको हेल्प करेगा टू गेट अ शार्प फोटो। शार्प फोटो लेने में कैसे मदद करेगा? देखिए, होता क्या है, जब भी आप आउटडोर्स में शूट कर रहे होते हैं लाइटिंग पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि फोटोग्राफर, स्पेशली लेंस के फोटोग्राफर, स्लो शटर स्पीड का इस्तेमाल करके कुछ क्रिएटिव तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहाँ पे अगेन लाइट बहुत ज़्यादा आता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए आप अपने अपर्चर को छोटा करते जाते हैं। तो जैसे जैसे ही आप अपने अपर्चर को छोटा करते हैं, F16 के बाद जितना छोटा अपर्चर होता जाता है आपके लेंस के अंदर से लाइट को ट्रैवल करने में दिक्कतें होती हैं, फोटो के अंदर डिफ्रैक्शन होता है और अल्टीमेटली आपका फोटो सॉफ्ट होता है। वहाँ पे आप एनडी फिल्टर की मदद से लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपको F16 के ऊपर जाने की ज़रूरत ना पड़े और आपका फ़ोटो ओवरऑल शार्प निकले। तो ये तो रही फ़ोटो की बात, आप अपने वीडियोज़ को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं एनडी फिल्टर की मदद से। वो कैसे? एनडी फिल्टर आपको हेल्प करेगा टू अचीव 180° शटर रूल। अब 180° शटर रूल क्या है, अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट्स, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में डाल दूंगा। इन शॉर्ट समझा देता हूं कि 180° शटर रूल क्या होता है। देखिए, एज पर 180° शटर रूल आपका शटर स्पीड होना चाहिए 1/2 times ऑफ योर फ्रेम रेट। आप जिस भी फ्रेम रेट पे मूवी बना रहे हैं, सपोज 25 या 30 फ्रेम पे मूवी बना रहे हैं, अभी मैं जैसे 30 फ्रेम पे मूवी बना रहा हूँ तो मेरा जो शटर स्पीड होना चाहिए दैट शुड बी 1/60th ऑफ द सेकेंड, ताकि मेरे वीडियो के अंदर जो नेचुरल मोशन ब्लर है वो कैप्चर हो और वीडियो ओवरऑल सिनेमैटिक लगे।
दूसरी चीज़ ये कि आप ND फिल्टर की मदद से अपने वीडियो के अंदर शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव कर सकते हैं, अपने अपर्चर को वाइड ओपन रख सकते हैं और जो कैमरा के अंदर आने वाली लाइट है उसको ND फिल्टर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे ही आप शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव करते हैं अपने वीडियो के अंदर, आपका वीडियो सिनेमैटिक लगता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब सवाल ये है कि हम कौन सा ND फिल्टर खरीदें। जनरली दो तरीके के ND फिल्टर आते हैं, एक होता है फिक्स ND फिल्टर। फिक्स ND फिल्टर क्या करता है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ लाइट को ब्लॉक करता है और अलग अलग स्ट्रेंथ की रेटिंग में आते हैं, 2 स्टॉप, 3 स्टॉप, 6 स्टॉप, 8 स्टॉप, इस तरीके के अलग अलग स्ट्रेंथ में आते हैं। तो जैसे जैसे जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है डिपेंडिंग अपॉन दी लाइटिंग कंडीशन, उतने स्ट्रेंथ वाले ND फिल्टर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा होता है वेरिएबल ND फिल्टर। इसके अंदर आपको एक रेंज मिल जाती है, 2 से 6 स्टॉप या 2 से 4 स्टॉप, 2 से 8 स्टॉप या 2 से 10 स्टॉप, तो इस तरीके से एक रेंज मिल जाती है। तो आपको अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में अलग अलग फिल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही फिल्टर से आप किसी भी लाइटिंग कंडीशन में आप अपनी फोटोग्राफी कर सकते हैं। दोनों तरीके के फिल्टर में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जब भी आप फिक्स ND फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है कि आपको कितने स्टॉप्स ऑफ लाइट को कट करने की ज़रूरत है ताकि आप एग्जैक्ट स्ट्रेंथ वाले ND फिल्टर को लेंस के ऊपर लगा पाएं। वो परेशानी आपको वेरिएबल फिल्टर में नहीं करनी पड़ती, आपको इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। बस इसके रिंग को आप ऐसे रोटेट करके इसके अलग अलग स्ट्रेंथ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी एक रीज़न है कि बहुत ज़्यादा चलन में है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वेरिएबल ND फिल्टर। इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे वेरिएबल ND फिल्टर को हम इसके अपर लिमिट की तरफ पुश करते हैं, अपर लिमिट कहने का मतलब सपोज़ अगर ये आपका जो ND फिल्टर है 2 से 8 स्टॉप का है, तो जैसे जैसे हम 8 स्टॉप की तरफ बढ़ेंगे, 7 या 8 स्टॉप की तरफ बढ़ेंगे, हो सकता है आपकी फ़ोटो के अंदर एक्स या हो सकता है विनेटिंग इफेक्ट दिखे। तो कोशिश कीजिए जो अच्छी क्वालिटी के आते हैं, जो महंगे वाले ND फिल्टर आते हैं, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो अच्छी क्वालिटी के ND फिल्टर लें, उनके अंदर ये विनेटिंग का या एक्स का इफेक्ट कम होता है या नेग्लिजिबल होता है। तो हमेशा कोशिश करें अच्छे क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड्स का ND फिल्टर खरीदें। हाँ, एक और बात ज़रूर ध्यान में रखें, जब भी आप ND फिल्टर खरीदें तो हो सकता है आपके पास 2, 3 या 4 मल्टीपल लेंसेज हों आपके पास, तो जो भी सबसे बड़े साइज़ का लेंस है उसके लिए ND फिल्टर खरीदें। मेरे पास 72mm सबसे बड़ा साइज़ है, तो मैंने 72mm का ये ND फिल्टर ख़रीदा है। और उसके बाद आप इस तरीके के अडेप्टर्स या इस तरीके के जो स्टेप डाउन रिंग्स आते हैं ये ले सकते हैं। इनकी मदद से आप बड़े वाले ND फिल्टर को आप किसी भी लेंस के ऊपर, छोटे लेंस के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अलग अलग लेंस के लिए अलग अलग साइज़ के ND फिल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरीके से आप अच्छे खासे पैसे की भी सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। ये था ND फिल्टर, कौन सा लेना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी मैंने आज की वीडियो में। और देखिए, मेरी एक पर्सनल सजेशन हमेशा है आपको, अगर आप एक फोटोग्राफर हैं और आपके पास एक बेसिक DSLR भी है, तो कई बार लोग यह सोचते हैं कि यार मैं अपने लेंस को या फिर मैं अपने कैमरा को अपग्रेड करूं तो मेरी फोटोग्राफी इम्प्रूव होगी। डेफिनेटली इम्प्रूव होती है, जैसे जैसे आप अच्छी क्वालिटी के लेंसेज, अच्छी क्वालिटी के कैमराज लेते हैं आपकी फ़ोटोग्राफी इम्प्रूव होती है। पर उसके पहले आप ND फिल्टर के ऊपर इन्वेस्ट करें, ये आपकी फ़ोटोग्राफी को डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा। और कई बार ND फिल्टर जो काम कर सकता है कोई भी लेंस या कोई भी कैमरा नहीं कर सकता, तो ND फिल्टर के ऊपर डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। एज अ फोटोग्राफर, एज अ वीडियोग्राफर, ND फिल्टर इज़ अ मस्ट बाय फॉर यू। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।